नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास झारखंड से आ रही है, जहां सोरेन सरकार को अस्थिर करने की साजिश सामने आई है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार को हवाला कारोबारियों की मदद से गिराने की साजिश की जा रही थी। रांची पुलिस सूचना मिलते ही हरकत में आई और 24 घंटे देर रात तक शहर के हर बड़े होटलों में छापेमारी का सिलसिला चलता रहा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन आधिकारिक रूप से संबंध में पुलिस की ओर से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है। राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा है कि झारखंड सरकार के खिलाफ कुछ लोग काम कर रहे हैं और हवाला कारोबारियों के माध्यम से सत्ता पक्ष के कई विधायकों से संपर्क साधने और उन्हें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। राज्य पुलिस को खुफिया सूत्रों से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम ने काफी गोपनीय तरीके से शहर के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक बड़े होटल में छापेमारी कर 3-4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों के पास से पैसे बरामद हुए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है, हालांकि इसकी पुष्टि झारखंड पुलिस ने किसी भी अधिकारी से फिलहाल नहीं की है। बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कई विधायकों की अपनी ही सरकार से कथित नाराजगी की खबर भी सामने आती रहती है। JMM विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। वहीं उनकी बेटी ने खुलकर परिवार की उपेक्षा तक का आरोप लगाया था। पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई और विधायक बसंत सोरेन कुछ विधायकों के साथ दिल्ली गए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और इनफार अंसारी भी दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, जबकि बीजेपी से कांग्रेस में आए विधायक उमा शंकर अकेला और कई महिला कांग्रेस विधायक भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से नाराजगी जता रही हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।